नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2020 और दिन है मंगलवार का। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में बताया जाता है। आज का सुविचार, दुआ जुबां से नहीं दिल से निकलती है। दुआ जुबां से नहीं दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ तो उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबान नहीं होती है। तो इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों, आज है विक्रमी संवत 2077, मास समांतर है कार्तिक और मास पूर्णिमांतर है अश्वनी, पक्ष है कृष्ण और वार है मंगलवार, तिथि है दशमी 4:22 तक, उसके पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र है मगध 7:56 तक और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग है इंद्र 10:45 तक, सूर्योदय है प्रातः 6:40 पर, सूर्यास्त है शाम को 5:30 पर, दिक ऋतु है हेमंत, वैदिक ऋतु है शरद, राहु काल का समय है दोपहर को 2:47 से 4:09 तक। और मित्रों, इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ मुहूर्त का समय है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर को 11:43 से 12:27 तक। दिशा शूल है उत्तर की ओर। अशुभ मुहूर्त का समय यमगंड 9:22 से 10:44 तक, कुलिक काल है 12:05 से 1:26 तक। दुमुहूर्त का समय है, पहला है सुबह 8:50 से 9:33 तक और दूसरा है रात को 10:46 से 11:39 तक। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद हंसो और को भी हंसाते रहो। तो इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ आज का राशिफल जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। अब तक आपने जो भी निवेश किए हैं उनमें आशातीत लाभ आपको प्राप्त होगा। आप कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिससे आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। त्योहार विशेष की तैयारी में समय व्यतीत होगा। अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बन रहा है। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा तथा आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास व आत्मबल बना रहेगा। अपने प्रयत्नों में कमी बिल्कुल भी ना कर आने दें। आज आपका बहुत अधिक स्वार्थी होना भी आपको अपने ही नजदीकी संबंधों से दूर कर सकता है, इसीलिए अपने रिश्ते को भी संभाल कर रखने की आपको आवश्यकता है। यह समय किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन करते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतने का समय है। अगर आप व्यवसाय संबंधी कुछ परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं या स्टाफ नौकरी आदि में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है, परंतु अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय कुछ सावधान रहना होगा। मशीनरी व लोहे से संबंधित व्यवसाय गति पकड़ेंगे। वैसे तो सभी व्यवसायों में सुधार आएगा, परंतु धीमी गति के इस समय मार्केटिंग तथा बाहर के संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करना फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपने क्षेत्र में स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। काम की जगह अपनी क्षमता को ना साबित कर पाना खुद के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पारिवारिक सहयोग न मिलने की वजह से जीवन साथी की आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर रहेंगे। प्रेम संबंधों से आप दूर रहें, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। गरिष्ठ तथा तला भुना भोजन खाने से परहेज करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा।
मूत्र संबंधी इन्फेक्शन या कहीं सूजन जैसी समस्या लग रही है तो उसका इलाज जरूर करवाएं। आज आपका भाग्य अंक है 6, शुभ रंग है आपका लाल। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाभकारी होगा। वृष राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही उचित है। कड़ी मेहनत व कठोर परिश्रम से एक के बाद एक उपलब्धियां आपको हासिल करने में सक्षम रहेंगे। कहीं समारोह में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। संपत्ति संबंधी कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज आप बहुत सी मनोरंजन तथा मस्ती के मूड में रहेंगे। दिमाग में बहुत सी योजनाएं बनेंगी। नजदीकी मित्रों के सहयोग से आपके काम सफल भी होंगे। साथ ही आध्यात्म तथा धार्मिक गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा, परंतु किसी किसी समय नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। क्रोध की वजह से कोई काम आपका बिगड़ सकता है तथा मान सम्मान में भी कमी आएगी। अचानक ही रिश्तों के आगमन से पारिवारिक माहौल अस्त व्यस्त होगा। आज आपकी अनुचित जिद की वजह से घर में तनाव भरा माहौल भी रह सकता है। साथ ही घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा के विपरीत काम करना उनको नाराज कर सकता है। इस समय खर्चों की अधिकता रहेगी, इसीलिए अपनी जरूरतों पर अंकुश लगाकर रखें। कार्यक्षेत्र में आज कामकाज का अतिरिक्त दबाव रहेगा तथा कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर समस्याओं को हल निकालने में सक्षम भी रहेंगे। पार्टनर या किसी सहकर्मी से छोटी सी बात पर मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय संबंधी कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, क्योंकि आपको आज निर्णय लेने में कुछ असमंजस रह सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। कोई स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना भी आज आपको मिल सकती है। करियर के लिहाज से आज काम में व्यस्तता रहेगी। आपको आज अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। पति पत्नी के बीच संबंध रोमांटिक रहेंगे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बहुत अधिक समय और धन खर्च होगा। अत्यधिक कामकाज के बावजूद भी आपकी पहली प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा, परंतु विवाह योग्य जातकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है। मानसिक काम करने की वजह से सिरदर्द व माइग्रेन रह सकता है। नींद न आने जैसी समस्या भी रहेगी। आज आपका भाग्य अंक होगा 9, शुभ रंग है आपका हल्का सुनहरा। आज आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि के जातक आज गुरुजन तथा बड़े बुजुर्गों का स्नेह प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ समय से आपने जो मेहनत की है वह रंग लाएगी। आध्यात्म तथा नैतिकता से जुड़े मामलों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा। शादी विवाह से संबंधित कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज आपका पूरा ध्यान अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और निखारने तथा पर्सनल कार्यों में लगा रहेगा। घर में नवीन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। आज आप पूरे जोश व ऊर्जा के साथ अपने अधिकतम कार्यों का पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। किसी प्रिय वस्तु के खोने या चोरी होने का आपको डर रहेगा, इसीलिए बहुत अधिक सावधान रहें। आर्थिक समस्या संबंधी चुनौतियों का आपको आज सामना करना पड़ सकता है, परंतु इस समय धैर्य रखना आपके लिए उचित रहेगा। बुरी आदतें तथा बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा। आज आपको संतान पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। इस समय उनके दोस्तों तथा गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों की भी अधिकता रहेगी, जिससे आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। युवाओं को जॉब में करियर संबंधी समाचार मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्गों या अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात आपके कोई काम को आसान कर जाएगी, परंतु कई मामलों में आपका स्वाभिमान ही आपकी उन्नति में बाधक बन सकता है। नौकरी में बॉस व अधिकारियों के साथ संबंधों में गिरावट न आने दें। व्यवसायिक कार्यों को व्यवस्थित रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी, परंतु आशा के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे। गलतियां सुधारने के अनेक मौके मिलने के बावजूद भी उन पर काम न कर पाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में यदा कदा तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन समय रहते आप उनको सुलझाने में भी सफल रहेंगे। प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। आपके मनमौजी स्वभाव के कारण जीवन साथी को कोई ठेस पहुंच सकती है। इस समय ज्यादा दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना तथा मनमानी करना घर के वातावरण को दूषित करेगा।
कामकाज में अत्यधिक मेहनत व परिश्रम का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना आपके लिए आवश्यक होगा। जोड़ों में दर्द रहेगा तथा मनोबल में कुछ कमी रहेगी। योगा और व्यायाम में कुछ समय व्यतीत करें। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा। आज आप हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप मेहनत व परिश्रम से सभी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता में परिवर्तित कर लेंगे। भविष्य संबंधी भी कुछ योजनाएं बनेंगी। कुछ ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में आपका समय व्यतीत होगा। आज भाग्य और समय आपके पक्ष में है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। कोई भी नीति अपनाकर अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे तथा आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम भी रहेंगे। भूमि संबंधी किसी भी कार्य को आज स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। आज किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की वजह से घर का माहौल कुछ दूषित हो सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि पारिवारिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें और अपने लेन देन साफ सुथरा रखें। व्यापार में आज कुछ मुश्किल और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ अनुकूल हो जाएंगी। धन प्राप्ति के स्रोत प्रबल होंगे, परंतु कैश हाथ में रखने की बजाय कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उचित रहेगा। बॉस की डांट फटकार भी आपको सुननी पड़ सकती है। इस समय कारोबारी हालात की गति को धीमी रहेगी, लेकिन आप अपनी योग्यता के दम पर कोई उपलब्धि भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। करियर के लिहाज से कठिन परिस्थिति के बावजूद भी काम की जगह आप अपना स्थान बनाकर रखेंगे। आज पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर मतभेद रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है कि घर की बात बाहर नहीं निकले। संतान की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कोई समस्या हल होने से घर में सुकून भरा वातावरण रहेगा, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के कारण पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज आपको लीवर से संबंधित समस्या जैसे कि गैस, अपच आदि रह सकती है। खानपान को बहुत अधिक व्यवस्थित रखना आपके लिए आवश्यक होगा। गलत खानपान की व दिनचर्या का नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक होगा। आज आपका भाग्य अंक होगा 5। शुभ रंग है आपका बादामी। आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि। आज धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्तता रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। भाइयों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी। बच्चों को उनके सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग का भी मूड बन सकता है। आज आपका अधिकतर समय बाहरी कामों में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी अपने कॉम्पिटिशन संबंधी कार्य में सफलता हासिल होगी। आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली व दिनचर्या आपको मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ व ऊर्जावान बनाकर रखेगी, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के मुद्दों में टांग ना अड़ाएं, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। पिता की किसी बात की अवहेलना करना उनकी नाराजगी का कारण बनेगा। इस समय युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई व करियर में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज आप अपरिचित या नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनकी वजह से आपको धन संबंधी नुकसान हो सकता है। यह समय अति आत्मविश्वास की स्थिति में भी आपके बनते कामों को बिगाड़ देगा। कोई भी काम करने से पहले उस पर पुनः विचार अवश्य करें। कारोबारी हालात सुधरेंगे। व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजना बनाई है उसमें छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, परंतु आप पूर्ण रूप से उनमें सफल रहेंगे। अफसरों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा। सहकर्मी व सहयोगियों के साथ आपका सहयोग आत्मक रवैया रहेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से ही आपका कोई कार्य बनने से आपको राहत मिलेगी, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के सामने जाहिर ना करें, अर्थात गुप्त रखें, अन्यथा आपके कामों में रुकावट आ सकती है। पारिवारिक व्यवसाय में विशेष सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। करियर के लिहाज से विदेश में व्यापार करने का मौका मिल सकता है। यह मौका हाथ से ना गवाएं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी रह सकती है, परंतु ध्यान रखिए कि घर की बातें बाहर ना निकलें। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको आज चिंता रह सकती है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। एलर्जी तथा
त्वचा संबंधी कोई दिक्कत रहेगी, साफ सफाई तथा पॉल्यूशन से अपना बचाव रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आज आपका भाग्यांक होगा 8, शुभ रंग है आपका हल्का ऑरेंज। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए आज आपका दिन उत्तम है। विरोधियों की योजनाओं को ध्वस्त कर अच्छे परिणाम व प्रशंसा आपको हासिल होगी। लोग आपसे स्वयं के निजी मामले में सलाह मशवरा भी लेंगे। कुल मिलाकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में है, इसका बेहतरीन सदउपयोग करें। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी पारिवारिक मामला चल रहा है तो उसे बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। सकारात्मक तरीके से इस पर कार्य करें। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है, परंतु जरा सी लापरवाही की वजह से कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हावी रहेगा और आप में सहन शक्ति की कमी आएगी। विद्यार्थी लोग इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर अपने अध्ययन पर फोकस करें। आज आप अधिक भावुकता अपने ऊपर हावी ना होने दें, ना ही किसी से ज्यादा उम्मीदें रखें, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकता है। यह समय बाहर की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ ना करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ व्यवहार करते समय अपने क्रोध पर व जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि संबंध खराब होने से उसका नकारात्मक असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। नौकरी में भी ऑफिस का माहौल सामान्य ही बना रहेगा। करियर के लिहाज से नौकरी करने वाले लोगों को अपने करियर के प्रति जागरूक रहकर निर्णय लेने होंगे। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। काम के बोझ की वजह से थकान और तनाव रहेगा। अपने काम को दूसरों के साथ बांटने से आप मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका क्रीम कलर होगा। आज आप भगवान शिव का अभिषेक करें, लाभकारी होगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के जीवन में पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में सुधार आएगा तथा आप दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पारिवारिक व्यक्तियों का सहयोग भी आपके आत्मबल को और मजबूत करेगा। आज आपकी शारीरिक कमजोरी की वजह से स्वभाव में क्रोध व चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रह सकती है। किसी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से बचाएं, क्योंकि इससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। उन पर भरोसा रखना उनकी कार्य क्षमता में और अधिक वृद्धि भी करेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई टारगेट आज सरलता से पूरा हो सकता है। नौकरी में बदलाव के लिए अपेक्षा से अधिक देर लग सकती है। आज पारिवारिक वातावरण सुखद व शांतिपूर्ण रहेगा तथा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको कमजोरी की वजह से थकान व सिर दर्द की समस्या रहेगी। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आज आपका भाग्य अंक 8 होगा, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि। आज आप किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए हितकारी रहेगी, इसीलिए उस पर अवश्य ही अमल करें। व्यस्तता के बावजूद आप अपने मित्रों व परिवार के लिए समय निकालेंगे, इससे आपसी संबंध और अधिक मजबूत तथा मधुर होंगे। आज आप धातु के व्यापार में अधिक धन खर्च ना करें, क्योंकि इस समय आपको इसमें अधिक धन का मुनाफा नहीं होगा, इसीलिए अन्य जगह धन का निवेश करें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के काम पर नजर रखना जरूरी है। आपके कुछ प्रोडक्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने या चोरी होने की आशंका लग रही है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपनी फाइलें वगैरह संभाल कर रखें, अन्यथा कोई इनका दुरुपयोग कर सकता है। व्यापार में बड़ा नुकसान होने की आशंका है, इसीलिए विशेष रूप से सावधान रहें। आज आपको कोई निर्णय न लेने की स्थिति में जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत ही उचित व फायदेमंद साबित होगी तथा आपसी संबंध मधुर होंगे। आज आपको हल्की फुल्की मौसमी परेशानी रहेगी, थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ बनाकर रखेगी। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा, शुभ रंग आपका सफेद होगा। आज आप भगवान शिव को
दूध से स्नान करवाएं लाभकारी होगा। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के जीवन में पिछले कुछ समय से चल रही स्थान परिवर्तन संबंधी योजना आज कार्य रूप में परिणीत होने की संभावना है, इसीलिए प्रयासरत रहें। साथ ही किसी नजदीकी मित्र की सलाह भी आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। आज आप किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, जिसकी वजह से अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और इससे आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। आप अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने से आपको बेहतर रिजल्ट हासिल होंगे। जनसंपर्क का दायरा भी पहले से अधिक विस्तृत होगा। करियर के लिहाज से सरकारी नौकरी की अपेक्षा करने वालों को प्रगति मिलेगी। व्यावसायिक समस्याओं का प्रभाव अपने परिवार व घर पर हावी ना होने दें। इस समय अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखने की आपको अति आवश्यकता है। आज खांसी जुकाम और गला खराब रह सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा। आज आप भगवान शिव का पूजन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि। आज राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है, इसीलिए अपने जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें। आपका कोई पुराना मतभेद भी हल होने से आपको तरक्की के रास्ते प्रशस्त होंगे। आज आप शेयर मार्केट में धन का निवेश सोच समझकर ही करें, क्योंकि आज आपको कोई फ्रॉड चूना लगा सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक ही निवेश करें। आज शेयर सट्टा तथा रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों में दिलचस्पी ना लें, आपके साथ कोई छल या नुकसान हो सकता है। अगर नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादला लेने की सोच रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार अवश्य कर लें। आज आप स्टॉक मार्केट संबंधी बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आज पति पत्नी के संबंधों में कुछ तकरार रहेगी, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, इसीलिए अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आज गलत खान पान की लापरवाही की वजह से पेट खराब रह सकता है, इसीलिए सावधानी बरतें। आज आपका भाग्य अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका हल्का सफेद होगा। आज आप भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं, लाभकारी होगा। कुंभ राशि। आज आपका अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना तथा कुछ काम समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करना आपके व्यक्तित्व को और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। इससे जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा, जो कि आपको अपना टारगेट हासिल करने में मदद करेगा। आज आप किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, आपको नुकसान हो सकता है और ना ही किसी पर अधिक भरोसा करें। बेहतर होगा कि अपने ऊपर ही आत्मविश्वास बनाकर रखें, इससे आप अपने कार्यों को बेहतर अंजाम देने में सक्षम रहेंगे और इससे आपकी आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय में जो परिवर्तन संबंधी योजनाएं बन रही हैं, उन पर अपना विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रखें। आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी तथा भविष्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मिलने से ग्रह स्थिति बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करने होंगे। आज आपको काम नए तरीके से शुरू करने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मेल मुलाकात काफी प्रभावी रहेगी। आज बदलते मौसम की वजह से एलर्जी व कुछ बेचैनी आपको रह सकती है। पॉल्यूशन और असंतुलित खानपान से परहेज करें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका स्लेटी होगा। आज आप भगवान शिव को बिल्व पत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए समय निवेश संबंधी कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। आपको धन संबंधी कुछ उपलब्धियां भी हासिल होने वाली हैं। यह समय लाभदायक ग्रह गोचर बना रहा है। इसका भरपूर सदुपयोग आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज आपको वाहन मशीनरी के व्यापार में निवेश करने पर बहुत अच्छा फायदा होगा, इसीलिए आप इस व्यापार में निवेश कर सकते हैं। आज किसी राजनीतिक व विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात व सलाह आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद व तरक्कीदायक रहेगी, परंतु कोई भी डील करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रह सकता है। आज HR संबंधित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। परिवार से संबंधित किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। अंततः सभी पारिवारिक जनों में हर्ष व
उल्लास जैसी स्थिति रहेगी। आज जोड़ों में दर्द व थकान महसूस होगी, इस समय वादी व गरिष्ठ चीजों के सेवन से परहेज करें। आज आपका भाग्य अंक होगा 1, शुभ रंग होगा आपका आसमानी। आज आप भगवान शिव का अभिषेक करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।